मैं हूँ रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम जिस मॉडल का रिव्यू प्लस अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं वो है रेडमी नोट 9 प्रो। तो चलिए स्टार्ट। तो सबसे पहले इसकी कीमत पता चलूँ, कीमत जिसकी है 46,000 रुपीज़ है। जो मेरे पास ये फ़ोन है ये टैक्स हिराद की वारंटी में आ रहा है। 6 GB रैम है इसकी और 128 GB रोम है इसकी। इससे पहले जो नोट 9S आया था और ये नोट 9 प्रो, इनमें जो मेन डिफरेंस है वो 48 MP कैमरा और फास्ट चार्जिंग का है। नोट 9S जो है उसमें जो कैमरा है वो 48 MP है और उसमें जो चार्जिंग दी गई है वो 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है। जबकि इस मॉडल में जो मेन कैमरा दिया गया है वो 64 MP का है, क्वाड कैमरा है और जिसमें चार्जिंग दी गई है वो 30 वाट फास्ट चार्जिंग साथ आया है, जो कि MI का अब तक सबसे लेटेस्ट फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी का फ़ोन है। जबकि मेन कैम दोनों का 16 MP ही है, लेकिन नोट 9 प्रो में अब आप फ्रंट कैम से 120 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जबकि नोट 9S में हम 30 FPS पर फ्रंट कैम से वीडियो रिकॉर्ड करते थे। और नोट 9 प्रो में अब मेन कैम में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन आ गया, जो 30 FPS पर 4K में वीडियो रिकॉर्ड करेगा। तो ये हो गया फ़ोन हमारा अनबॉक्स, आ गया वारंटी कार्ड। बैक जो इसकी है वो 3D कर्व डिज़ाइन में है, ग्लास बैक है इसकी, और जिसका फ्रेम है वो प्लास्टिक में है जिसके ऊपर भी कोटिंग की गई है। साइड पर दे दी गई है सिम ट्रे, राइट साइड पर इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस रॉकर कीज़, ऊपर वाली साइड पर इसमें इंफ्रारेड ब्लास्टर जो कि रिमोट कंट्रोल का काम करता है, नीचे वाली साइड पर सी पोर्ट प्लस ऑडियो जैक और प्लस रिंगर के इसमें जो होल्स हैं वो दिए गए हैं। एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो इसमें जो एंड्रॉयड वर्जन आ रहा है वो एंड्रॉयड OS 10 आ रहा है और UI वर्जन में इसमें MIUI 11 आ रहा है। हार्डवेयर की बात करें तो CPU इसका ऑक्टा कोर है, इसमें जो 2 कोर हैं वो 2.3 GHz के हैं और बाकी के जो 6 कोर्स हैं वो 1.8 GHz के हैं। चिप सेट इसमें क्वालकम स्नैपड्रैगन 720G जो कि 8 NM का है। GPU इसमें एंड्रीनो G618 दिया गया है, सेम वही चिप सेट दिया गया है जो इससे पहले हमने नोट 9S में देखा है। पबजी आप इस पर खेलना चाहते हैं तो पबजी आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है HD पर खेल सकते हैं हाई ग्राफिक्स के साथ। अगर आपने HDR पे खेलना है तो आपके लिए इसको बैटल ग्राउंड एडवांस एप्लीकेशन के साथ सिंक करना पड़ेगा। अब आते हैं इसकी सबसे मेन चीज़ कैमरास पर। तो कैमरा की बात करें तो बैक जिस तरह आपको पता है कि इसके क्वाड कैमरा सेटअप है जिसमें 4 कैमरे हैं। मेन कैमरा जो है वो 64 MP का है जिसका अपर्चर साइज़ जो है वो 1.9 है। सेकंड कैमरा इसमें 8 MP है जिसका अपर्चर साइज़ जो है वो 2.2 है, ये अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है।
इसके बाद 5 मेगापिक्सल का एक माइक्रो लेंस विद अपर्चर साइज ऑफ 2.4 और एक 2 मेगापिक्सल का इसमें डेप्थ सेंसर दिया गया है। रिजल्ट आप उसका देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल में पिक्चर कैप्चर कर रहा है और जूम होने के बाद पिक्चर इसकी पिक्सलेट भी नहीं हो रही। मैं कुछ सैंपल पिक्चर ऐड करता हूँ फ्रंट और बैक कैमरा की, जिससे आपको इसके कैमरा का मज़ीद आइडिया हो जाएगा। इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल है, जिसका अपर्चर साइज जो है वो 2.5 है, जिसके ज़रिए हम वाइड एंगल में सेल्फी कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा हम कैमरा के मज़ीद फीचर देखें तो हमें मिल जाता है शॉर्ट वीडियो, वीडियो 64 मेगापिक्सल, पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है, हमें नाइट मोड मिल जाता है जो कि सिर्फ बैक कैमरा में फ्रंट कैमरा में नहीं है। इसके अलावा पैनोरामा और प्रो मोड, जिसके ज़रिए हम अपनी मर्ज़ी से सेटिंग्स करके प्रोफेशनल शॉट्स क्लिक कर सकते हैं। ये फ़ोन 960 FPS पर स्लोमो कैप्चर करता है और हम 4K में इसके ज़रिए वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओवरऑल कैमरा फीचर्स बहुत अच्छे हैं, नाइट में थोड़ी सी डिटेल्स कम है लेकिन दिन को आप बहुत ही अच्छी और शार्प पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हैं। चलें अब आते हैं इसके फिंगर सेंसर के ऊपर। मैंने यहाँ पर ऐसे फिंगर सेंसर को सेट कर लिया है, आप देख सकते हैं काफ़ी क्विक है ये। साइड मोटेंट काफ़ी क्विक होते हैं वैसे भी और ये ग्रिप में आसान होते हैं, जिसके ज़रिए फ़ोन को बहुत ही आसानी से अनलॉक किया जा सकता है। इस फ़ोन की जो IP रेटिंग है वो IP54 है, यानी फ़ोन वाटर प्रूफ तो नहीं है लेकिन वाटर रेजिस्टेंस ज़रूर है, यानी अगर बारिश वगैरह में या आपसे वैसे भी कभी थोड़ा गीला हो जाता है तो ये फ़ोन डैमेज नहीं होगा। तो एंड पे बात कर लें इसकी बैटरी की, जिसमें बैटरी दी गई है वो 5020 mAh की है, जो आपको 1 से 1.5 दिन का आसानी से बैकअप नॉर्मल यूज़ पर दे सकती है। साथ ही इस फ़ोन में 30 W की फास्ट चार्ज टेक्नोलॉजी दी गई है, जिसके ज़रिए फ़ोन को 30 मिनट में 60-65% तक आसानी से चार्ज किया जा सकता है। ओवरऑल फ़ोन को देखा जाए तो इस प्राइस ब्रैकेट में ये बेहतरीन फ़ोन है यूजेज के लिए। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन बार बार मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।